ओके तो गाइस आज हम कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, कोई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे लाइक जो आपको फ्री फायर में पता ही नहीं होगी। लाइक अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा गेम खेलते हो तो आपका आईडी बैन हो जाएगा। अभी आप बोलोगे ग्रैंड प्लेस्टर प्लेयर्स बहुत सारे लोग को आईडी दे के रखते हैं तो उनका आईडी बैन नहीं होगा, तो गाइस वही सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और तो और आपके आईडी में डायमंड रिस्ट्रिक्शन आ जाता है विदाउट रिफंड किए वाला, उसके ऊपर भी बात करने वाले। वैसे में अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं मेरा नाम है राज और आप लोग दिख रहे हो एंटी गेमर्स। तो गाइस आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, और ऐसा कोई वीडियो हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आपको पसंद आए तो मेक श्योर कीजिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो 7 नंबर के फैक्ट से हम शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला फैक्ट है अपने गेम के अंदर आता है जो है आपके जो स्टोर है ना, स्टोर के अंदर से गाइस सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ क्या है आपको पता है? गाइस वैसे तो बहुत सारी चीज़ जो है यूज़ में आती है, बट ऐसी कोई चीज़ जो हर एक फ्री फायर की मतलब जो गेम आईडी होगा ना ऑलमोस्ट हर एक आईडी में होगा वो है ये वाले फ्लोप स्लीपर्स, मतलब स्लीपर एक तरह से आप बोल सकते हो। ये चप्पल है ना ऑलमोस्ट सारी आईडीज में, हाँ न्यू आईडीज पे नहीं होगा बट फ्री फायर बहुत सारे बार इसको फ्री में भी दे चुका है और बहुत सारे लोग को ये वाला जो चप्पल है वो बहुत पसंद आता है। वैसे वो सब चीज़ें छोड़ते हैं और फैक्ट नंबर 6 की बात करें तो गाइज अभी जो है ना मैं थोड़ा एक मेन टॉपिक कवर कर लेता, उसके बाद जो 24 आवर्स ज़्यादा खेलने वाला करेगी। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ अपना डायमंड रिस्ट्रिक्शन के बारे में, अभी डायमंड रिस्ट्रिक्शन के ऊपर मैं पहले ही बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी आपको बता दूँ कि अगर आप कम टॉप अप करते हो या फिर अगर आपने वीकली लेते वक्त सब्सक्रिप्शन वाला टिक मार्क जो है वो लगा के रखा है तो आपकी आईडी में जो है आ जाता है रिस्ट्रिक्शन। वो कैसे आपको समझाता हूँ, लाइक आपकी आईडी में 2-5 रुपये पड़े होंगे, गूगल प्ले स्टोर की जो आईडी होती है आपकी गूगल अकाउंट की उसमें 2-5 रुपये पड़े और आपने एक वीकली ली थी जब सब्सक्रिप्शन वाला टिक मार्क ऑन था। अभी उससे होता ये है कि फ्री फायर जो है ना ऐसा समझता है कि आप फिर से जो है अपना आईडी मतलब आपके अकाउंट में थोड़े पैसे डाल दो क्योंकि 7 दिन ख़त्म हो गए, तो वो जो है रिन्यू कर देता है फ्री फायर एक तरह से, और वो रिन्यू करने के लिए सब्सक्रिप्शन वाला टिक मार्क होता है अगर आप वीकली लेते हो। तो ध्यान रखना कि आप जो है वो टिक मार्क लगा हो तो हटा देना। बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई मेरी आईडी में तो नहीं लगा, मैं बहुत सारी बार फ्री के डायमंड्स भी क्लेम कर चुका हूँ, तो इसमें से मेरा एक दोस्त भी है पर वो भी मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप थोड़ा सिक्योर रहो यार, आपकी आईडी कभी भी जा सकती है। और अभी बात करते हैं एंजेलिक पैंट के बारे में। अभी एंजेलिक पैंट आप लोग बोलोगे कि इंडियन सर्वर पे नहीं है, तो इंडियन सर्वर के बहुत कम प्लेयर के पास वो कैसे है? वैसे बहुत सारे लोग को पता भी है, बहुत सारे लोग को नहीं भी पता है, तो हम जो है आपको बता देते हैं। तो गाइस पहले जो बांग्लादेश वाला रीजन था वो सिंगापुर से कनेक्टेड था और सिंगापुर सर्वर पे एंजेलिक पैंट आया था और उस वक्त बहुत ही कम लोगों ने निकाला है और उस वक्त डायमंड भी कोई खैर टॉप अप नहीं करता था ज़्यादा, इसलिए बहुत कम लोगों के पास वो वाला पैंट है। और वो जो पैंट है जैसे ही आया उसके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद जो बांग्लादेश का सर्वर था वो इंडियन सर्वर के साथ कनेक्ट हो गया, इसीलिए जो गरीना फ्री फायर है उसको ऐसा लगता है कि हमने जो है एक बार इंडियन सर्वर पे ये जो पैंट है वो दे दी है तो हमको दोबारा से वो चीज़ क्यों रिपीट करें, पर एक्चुअली में इंडियन सर्वर में तो कभी एंजेलिक पैंट जो है वो आया ही नहीं था। और आगे के फैक्ट्स के बारे में बात करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी कोई वीडियो हम पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ी सी गलती हो सकती है, तो कोई गलती हुई हो हमसे तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, बाकी आई डोंट नो मैंने क्या कोई गलती की है। तो हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो गाइस ये एक तरह से कोई फैक्ट नहीं है, इन गेम फीचर्स है पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेरे दोस्तों में से आधे लोग को नहीं पता था इसीलिए मैं सोचा आपको भी बता दूं। अपना जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसके अंदर आप ग्लो वॉल की प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वहाँ जाके बस आपको जो ब्लू कलर का ओरा होता है उसमें जाके खड़ा रहना है, तो यूज़ पे क्लिक करते ही जो मशीन्स होती है मशीन गन्स होती है वो जो है आप पे ग्लो वॉल डालेगी, आपको बस उस ग्लो वॉल से बचना है। और अगर आपको डैमेज पूरा पड़ जाता है तो आपका स्कोर कम होगा, आप जितनी जल्दी ग्लो वॉल लगाओगे उतना आपका स्कोर ज़्यादा होगा, बट इसका जो मशीन का स्पीड है ना वो थोड़ा कम है, तो अभी जो ये वाला अपडेट आएगा ना उसमें शायद से वो जो मशीन वाली चीज़ है ना वो ठीक हो जाएंगी। अभी गाइज एक चीज़ बता दूँ, अभी मैंने क्रोनो कैरेक्टर के साथ ही मैं गेम प्ले कर रहा हूँ और अभी आपको एक चीज़ बताओ कि क्रोनो जो है अपडेट के बाद वो एडवांस सर्वर में ऐसा दिखा रहा है इसका कूल डाउन टाइम बढ़ जाएगा, तो जी हाँ गाइज कूल डाउन टाइम बढ़ जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वूकोंग को अच्छा कर दिया जाएगा और क्रोनो को बेकार, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो गेम में फिर से इनबैलेंस होगा, आपको कोई टेंशन वाली लेने की बात नहीं है, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये वाले अपडेट में क्रोनो का जो कूलडाउन टाइम है वो ये लोग ज़्यादा दिखा रहे हैं, लाइक 150 या 170 दिखा रहे हैं, और
जो ऑरा जो अपना सील्ड रहता है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप बोल रहे हो कि भाई ऐसा कुछ होगा, तो भाई इतना डरने की बात नहीं है, वैसा कुछ होगा तो नहीं मेरे को लगता है तब तक, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो टॉप वाला है, वुकोंग भी पहले बहुत पहले मतलब डायमंड से खरीदना पड़ता, बट अभी बहुत सारी बार गरीना जो है उसको फ्री में दे चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि गरीना ऐसा कुछ करेगा जिससे बहुत सारे कैरेक्टर मतलब बहुत सारे लोगों ने स्टोर से खरीदा है। अपने एक और फैक्ट की बता दूं भाई, एक तरह से फैक्ट नहीं बोल सकते, क्रोनो जब आया ना तब किसी ने भी नहीं लिया था, जैसे ही स्टोर पे आया क्रोनो तब बहुत सारे लोगों ने लिया, और वो थोड़े दिनों के बाद हुआ, क्योंकि जब क्रोनो सामने हम मैं भी ना खुद क्रोनो यूज़ नहीं करता था, एक या दो वीक के बाद मैं भी भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मैंने लिया था ज़रूर कैरेक्टर बंडल के साथ, बट मैंने एक भी बार यूज़ नहीं किया था क्रोनो को, और क्रोनो पहले अंडर एस्टिमेट किया गया था, फिर जो क्रोनो ने इनबैलेंस किया मतलब जो भी जिसे देखो वो सब क्रोनो लगा रहा है, तो तब जाके गेम इनबैलेंस हो रहा था, बट अभी भी ये गेम इनबैलेंस नहीं हो सकता, क्रोनो अगर सबको दे दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वैसा करीना नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। और मैं अगर बताऊँ और नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, तो नेक्स्ट फैक्ट ये है कि 24 आवर्स के ज़्यादा अगर आप गेम खेलते हो, भाई 24 आवर्स कोई जाहिर सी बात है एक बंदा नहीं खेल सकता, और अगर खेलता है एक ही मतलब आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, एक्चुअली में आईपी एड्रेस से आपका लोकेशन पता चलता है, भाई आईपी एड्रेस एक्चुअली में होता क्या है, आपका जो हर एक फ़ोन में आईपी एड्रेस होता है जिससे आपका लोकेशन पता चलता है, और वो आईपी एड्रेस अलग अलग डिवाइस में लॉगिन होगा तो आपको गरीना है या फिर फेसबुक है उसको पता चल जाता है कि आप जो है अलग अलग जगह से जो अपना जो आईडी है या अकाउंट है वो लॉगिन कर रहे हो, तो उससे है ना गरीना फ्री फायर जो है अपना वो जो है डिवाइस पे बैन लगा देती है। अभी बैन कैसे लगेगा अभी आपको मैं समझाऊँ कि करीना को ऐसा नहीं पसंद कि आप बारी बारी जो गेम को है लॉग आउट लॉग इन करो, हाँ आप अपने ही मोबाइल से एक ही जगह से मतलब आप लोकेशन तो चेंज नहीं करोगे ऑब्वियसली बात है, तो आपके ही डिवाइस से अगर आईपी आपके मोबाइल के आपके डिवाइस के आईपी एड्रेस से लॉगिन होता है तो कुछ नहीं होता, बट चार पांच आईपी एड्रेस आपके दोस्तों के पास होगा, चार पांच दोस्तों के पास जो ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स है वो ऐसा करते हैं, हाँ आपके ही घर में वो बंदा रहता है और आपके ही फ़ोन से खेलता है तो कोई नहीं, कुछ आईडी बैन नहीं होता, बट अगर अलग अलग जगह से आपका आईडी खेला जाता है तो आपका जो आईडी है वो बैन हो जाता है। और यही कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। वैसे मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक जिसने वीडियो देखा है उसके लिए एक और चीज़ हम बता दें कि हम जो है ना ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे, आपको जो वीडियो पसंद आए ना वो बताना, तो हम उस टाइप के आपके लोग के लिए वीडियो लिख के आएंगे। और अभी तक वीडियो देखा है उसको भाई क्या ही बताऊँ भाई, थैंक यू दिल से अभी तक वीडियो देखने के लिए। और अगर आप वो वीकली का सब्सक्रिप्शन टिक मार्क वाला चीज़ करते हो तो गाइज अभी रुक जाओ, और मैक्सिमम अगर आपने ऐसा फ्यूचर में या पहले किया और अभी आपके आईडी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आईडी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा और आपको नहीं लगाना है, तो आपकी आईडी में कंटिन्यूसली टॉपअप होते रहना चाहिए। आप टॉपअप करना बंद कर दोगे और उसके कुछ ही दिनों के बाद आपकी आईडी पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, लाइक एक या दो या तीन वीक के बाद अगर आप ऐसा करते हो, लाइक आपने ऐसा सब्सक्रिप्शन वाला जोल किया है, या बहुत सारे लोग का तो विदाउट डायमंड रिस्ट्रिक्शन आया है, मेरे को भी पता है भाई, मेरा खुद का लगा था। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको विदाउट डायमंड रिस्ट्रिक्शन को हटाना है तो मैं पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आपको बहुत सारे लोग को बताना पड़ेगा, बहुत सारे स्ट्रीमर्स को बताना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, और ये जो चीज़ है वो जल्दी कोई करने वाला नहीं है, तो आपको जो है वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ये वाले नहीं मैंने जो डायमंड रिस्ट्रिक्शन का वीडियो बनाया है उसको। बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हम मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।